मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर काफ़ी चर्चा हुई है। इस चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कमलेश्वर पटेल ने भी हिस्सा लिया, लेकिन कुछ आपत्ति हैं, कुछ सवाल हैं। सर, किस तरह के सवाल आपने उठाए? देखिए, जो राज्यपाल का, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का सरकार ने वाचन कराया है, वो पूरा असत्य पर आधारित है और बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिनका रिपीटिशन हुआ है। जो पिछले अभिभाषण में था वही इस अभिभाषण में भी उल्लेख है। जैसा कि पहला ही बिंदु है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का के अवसर पे गरीब कल्याण वर्ष मनाने का है। क्या मध्य प्रदेश में 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या ये विगत 12 वर्षों से 13 वर्षों से कौन सा वर्ष मना रहे थे? क्या अमीर वर्ष मना रहे थे? जो अभी चुनाव आते ही गरीबों का ध्यान आ रहा है, फिर गरीब कल्याण वर्ष मनाने का सिर्फ एजेंडा या नाम देने से काम नहीं होगा। आप तो गरीब कल्याण वर्ष मनाने का प्रोपोगंडा करते हैं, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में, हम तो कहेंगे लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश से गरीबी रेखा से नाम काट दिए गए, जिसकी वजह से विकलांगता पेंशन, निराश्रित, विधवा पेंशन और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है लोगों का, वो मिलना बंद हो गया। हमारे सीधी जिले में ही 11,000 तो एक्सेप्ट किया है गरीबी रेखा से नाम काटने का, तो इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में काटा है। इसी तरह आपका अगर विद्युतीकरण की बात करेंगे तो एक तरफ 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कटौती चल रही है, आपकी मनमानी बिलिंग चल रही है, लोग परेशान हैं। एक मिल वाचो कार्यक्रम का एजेंडा मध्य प्रदेश सरकार लागू करती है, जनप्रतिनिधियों को बोलते हैं कि आप पढ़ाइए, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, क्या नेताओं के जाके पढ़ाने से क्या वहाँ की जो अव्यवस्था है वो दूर हो जाएगी? आप जो शिक्षित नौजवान हैं उसकी भर्ती क्यों नहीं कर रहे, क्यों युवाओं को मौका नहीं दे रहे? क्या सिर्फ भवन बन जाने से क्या वहाँ की असुविधाएं दूर हो जाएंगी? जब तक हम छात्रों को विषयवार विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार राजनीतिकरण करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है मिल वाचो कार्यक्रम के माध्यम से। ये हमारे घोर निंदनीय है। ऐसे बहुत सारे बिंदु है जो हमने बात रखी है। युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवा महोत्सव मनाते हैं, पर असलियत तो ये है कि युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं रहा है, युवा परेशान है, भटक रहे हैं, तो इस तरह के हालात है मध्य प्रदेश में। चलिए, यहाँ पर पूरी तरह से राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया है और तमाम जो तथ्य यहाँ पर अभिभाषण में रखे गए हैं उसको पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार यहाँ पर कमलेश्वर पटेल दे रहे हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।